बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। दोस्तों आप कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं आज आपको बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर टेक्स्ट डायरेक्शन कैसे होती है। तो चलें दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि एक्सेल के अंदर टेक्स्ट डायरेक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने जाके यहाँ से एक्सेल ओपन करना है। अब ये एक्सेल की रो और कॉलम है, यहाँ हमने लिख दिया नेम कंप्यूटर लिख दिया। अब जो अगला कॉलम है यहाँ हमने इसमें लिख दिया खानेवाल। अब उससे अगले कॉलम में हमने लिख दिया, यहाँ जाके लिख दिया हमने मुल्तान। हम बाकी लिख दिया। अब ये है, अब इसको हम चाह रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। इसको हमने यहाँ से सेलेक्ट किया। अब यहाँ से जाके हम ये जाएंगे, ये इधर, ये देखो ये टेक्स्ट डायरेक्शन पड़ी है, मुख्तलिफ है। आपने इसको जैसे करना है, ये देखो कि अब ये यूँ हो गया, ये यूँ आएगा नज़र आपको। अगर आप इसको चाहते हो कि अभी जैसे छोटा है तो इसको हम और ज़्यादा छोटा कर लें रो को, इसको फिर और छोटा कर दें, इसको कॉलम को, इसको भी छोटा कर दें। तो ये देखें इस तरह ही आके ये थोड़ी जगह में ज़्यादा लिखा जाता है। इसी तरह अगर आप चाहते हो इसको नहीं दूसरी डायरेक्शन करनी है, फिर दोबारा सेलेक्ट किया, यहाँ गए, यहाँ से जाके हमने इसको यूँ किया तो ये यूँ लिखा हुआ आ जाएगा। अगर ये भी नहीं करना चाहते, अब दूसरा करना चाहते हो, यूँ करना चाहते हो तो ये यूँ आ जाएगा। फिर दोबारा यहाँ गए, फिर जाके हमने यहाँ लिखा ये वर्टिकल, इसको यूँ जाएगा तो यूँ यूँ आ जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा सारा। तो यहाँ से जाके इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज हो जाती है। कोई भी आपने पेज है या कोई आपने शीट बनाई है जो जिसमें आपने काम किया, उसको आप चाहते हो उसको मैं इसकी टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करके इसको थोड़ी जगह पे ज़्यादा काम करूँ, तो आप यूँ जाके यहाँ से जाके आप इसको सारा अच्छी तरह से जाके ये देखो जैसे भी जाके आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। और वहाँ से नहीं करना तो यहाँ जाके आप इसकी जो जितनी आप डिग्री लिखोगे यहाँ से उतनी डिग्री पे जाके ये सेट हो जाएगा। अब यहाँ दोबारा गए हमने, यहाँ गए, अब जाके इसको दोबारा जाके ये किया तो ये अपनी ओरिजिनल हालत में आ गया। अब ये बिल्कुल छोटे हैं कॉलम, यहाँ नज़र नहीं आ रहा, तो हम जाएंगे दोबारा यहाँ, यहाँ जाके हम जाके इसको इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरा लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, क्योंकि वो कॉलम छोटे हो गए तो इसी तरह ये ऊपर नीचे को हो गई लिखाई। इसी तरह से आपने इसको सेट करना, जैसे भी आप सेट करना चाहें यहाँ से जाके आप सेट कर सकते हैं।